वरुण शर्मा और गोविंदा स्टारर फिल्म फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर रविवार को अपना तीसरा दिन बिता रही है। फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ और दूसरे दिन 3 करोड़ की कमाई करते हुए 2 दिन में 7 करोड़ का व्यवसाय कर लिया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फिल्म ने रविवार पर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। फिल्म फ्राइडे अपनी रिलीज डेट से काफी देर बाद रिलीज हुई, जिसको मई में रिलीज होना था लेकिन अक्टूबर के जाकर ये फाइनल हुई। फिल्म में धमाकेदार कॉमेडी है। फुकरे में आए वरुण शर्मा की शानदार कॉमेडी और साथ ही साथ बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा, दोनों की टाइमिंग लाजवाब है। फिल्म की कहानी इतनी खास नहीं, लेकिन फिल्म की कॉमेडी भर भर कर है। अगर आप सिनेमा में इसको हंसने के लिए देखने जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी कहानी के तौर पर कोई फिल्म चुनना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। गोविंदा एक बार फिर से अपने पुराने तौर तरीके में नजर आए और आपको लगातार अच्छे डायलॉग से हंसाते हुए नजर आए। वरुण शर्मा ने भी अपने ही अंदाज में एक्टिंग करते हुए सबको रिझा दिया और हंसाने के मामले में फिल्म को पूरे स्टार दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गोविंदा ने कलेक्शन के मामले में भी अपने साथ ही रिलीज हुई फिल्म जलेबी तुम्बाड़ और ईला को पछाड़ दिया है। फिल्म ने आज तीसरे दिन भी लगभग 3 करोड़ की कमाई करते हुए 3 दिन में 10 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। फिल्म का बजट 20 से 25 करोड़ रुपए है। देखना ये होगा क्या ये अपना बजट पार कर पाएगी। फिलहाल ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आपको ये फिल्म अगर देख ली है तो कमेंट में बताएं आपको ये कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो क्या आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि बॉलीवुड की आने वाली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।